बेसिकली यहाँ पर जो डीएवी कार्यालय है वहाँ पर कुछ छात्र संगठनों के द्वारा बीच बीच में आंदोलन किया गया कि यहाँ से पेपर आउट हुए। एक पेपर 25 तारीख को इसी माह के आउट हुआ, दूसरा पेपर 28 तारीख को एमबीए फर्स्ट सेम के, दो पेपर आउट हुए थे। उन पेपरों में ये देखा गया था कि जो क्वांटिटेटिव टेक्निक और अकाउंटिंग फॉर मैनेजर कि ये दो पेपर है ये आउट हुए हैं और काफी असंतोष था छात्र संगठनों में और ये था कि कोई भी परीक्षा सही तरीके से संपन्न नहीं होती है और उसकी शिकायत वरिष्ठ कार्यालयों में भी दी गई थी, बहुत सारी जगह पर ज्ञापन दिए गए थे। बड़ी चुनौती थी कि हर दो दिन में या तीन दिन में कोई ना कोई पेपर आउट होता है, परीक्षाएं सही तरीके से संचालित नहीं होती है। उस पर से 30 तारीख को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी थाना छोटी ग्वाल टोली में, उसमें से एसीपी तुषार सिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी उमेश यादव के अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई थी कि इस चैलेंज को स्वीकार करिए और मूल आरोपी तक पहुंचिए। इस पर से कुछ कुछ छात्र संगठनों के माध्यम से कुछ कुछ जानकारियां लगी थी कि ये सबसे पहले सोशल मीडिया में कहां से आया, कैसे आया, तो टेक्निकल एक्सपर्ट के माध्यम से सबसे पहले पता किया गया तो पता लगा कि धीरेन नरवरिया नाम का एक लड़का है जो एमबीए में फर्स्ट ईयर का छात्र है, उसको किसी थर्ड सेम के लड़के के द्वारा शेयर किया गया। वो उस लड़के तक पहुंचकर पता लगा कि उसका नाम जो है गौरव सिंह गौड़ है और उसके द्वारा ये पेपर किसी थर्ड आदमी के माध्यम से लिया गया है। जो मूल कड़ी थी उसमें देखा गया कि जो आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट राव में है उसके जो हेड है उनका जो कंप्यूटर ऑपरेटर उसके द्वारा जो पेपर है उसको बाकायदे अपने पोजिशन में लेकर के और सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने पार्षदों के माध्यम से उसको लोगों के बीच में दिया गया है। तो वर्तमान में तीनों आरोपी हमारे अभिरक्षा में है और इनके द्वारा किए गए कृत्य को स्वीकार किया गया है, बाकी सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे थे उसको उतनी गंभीरता के साथ विवेचना में लिया गया है। कितने छात्रों तक ये पेपर पहुंचा था और माध्यम से ये पेपर आउट किया गया था, किसके माध्यम से छात्रों के मध्य में भेजा गया है, वो तीन मूल आरोपी अभी गिरफ्तार किए गए हैं। उसमें से एक धीरज नरवरिया है जो राघोगढ़ गुना का रहने वाला है और दूसरा गौरव सिंह गौर है और तीसरा जो मूल आदमी है जिसके माध्यम से पेपर आउट हुआ है, जिसकी पोजीशन में ये था बेसिकली क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर है और इसको इस चीज का भान था कि इस जगह पेपर रखे हुए, क्योंकि पेपर जो एग्जाम कंट्रोलिंग की अथॉरिटी रहती है वो एक बायलॉज बनते हैं कि इतने दिवस पहले पेपर चले जाएंगे, इस जगह कस्टडी में रहेंगे, उसका उल्लंघन करते हुए इसके द्वारा पेपर अपने पोजीशन में लिया गया है और अपने स्वार्थ के लिए बच्चों के बीच में बांटा गया। ऑपरेटर का नाम इसका ऑपरेटर का जो नाम है वो बेसिकली दीपक सोलंकी है। अभी तक के जो पूछताछ में ये है कि इसमें जो गौरव है वो बेसिकली उसका बैक लगा हुआ था, उसको इसकी सख्त जरूरत थी तो उसके द्वारा सबसे पहले इसको लिया गया, फिर कुछ पैसों में लिया गया है। अभी विवेचना का अंग है कि किस माध्यम से पैसे लिए गए हैं और वो विवेचना का अंग है, जैसे ही क्लियर हो जाएगा किसी साक्ष के माध्यम से तो आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा मीडिया को। उसके बाद फिर उसने और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए फिर दूसरे लोगों को भी कुछ पैसों में बेचा हुआ है, अब उन लोगों तक पहुंचा जाएगा, उन लोगों को बाकायदे साक्ष्य में शामिल किया जाएगा और सारे तथ्यों को समाहित किया जाएगा। पकड़ा है इन्होंने कितने रुपए कमाए, इन्होंने कुछ बताया होगा पूछताछ में? अभी चूंकि क्या अभी अभी का मामला है, अभी तत्काल में इनको पोजीशन में लिया गया है, बाकायदे इनके माध्यम से वो पेपर भी मिला हुआ है, इनका मोबाइल भी सर्विलेंस में रखा गया है, इनके मोबाइल में वो एविडेंस मिला हुआ है कि दो दिन पहले इन्होंने किन किन को व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया है, अब वो पूरा जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन ये क्लियर है कि पेपर इनके द्वारा आउट किया गया। ये भी बिल्कुल क्लियर है कि अपने निस्वार्थ की पूर्ति के लिए इसको आउट किया गया है, उससे कुछ पैसा कमाने की भी नियत थी इनकी, कुछ पैसा भी कमाया गया है। क्या उम्मीद करें विवेचना के दौरान के और आरोपियों को बढ़ने की शंका? बिल्कुल, किसने इसमें लाभ की नियत से इसमें शामिल हुआ है, कौन सा व्यक्ति उस षड्यंत्र में और भी शामिल है, इसके लिए हमारे एसीपी साहब खून पर लगे हुए हैं क्योंकि बच्चों का मामला, बच्चों के भविष्य का मामला, इसको पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है, जो भी और भी दोषी होंगे जरूर इस पर कार्रवाई की जाएगी।